लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। भारत रत्न से सम्मानित होंगे लाल कृष्ण आडवाणी, ये बात कही है प्रधानमंत्री। मैंने आडवाणी जी को सम्मान के लिए बधाई दी है, ये बात कही पीएम ने। भारत के विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान रहा है और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर खुद जानकारी दी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने लाल कृष्ण आडवाणी जी से फोन पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि मैं आडवाणी जी के सम्मान के लिए उन्हें बधाई देता हूं। भारत के विकास में लाल कृष्ण आडवाणी जी का बड़ा योगदान रहा है। भारत के पूर्व उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर की घोषणा पर उनकी बेटी ने केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताया। बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। तो पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान करके गुरु दक्षिणा दी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च सम्मान मिलने पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चंद्र। बीजेपी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार ने की और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी। तस्वीरों के जरिए पहले लाल कृष्ण आडवाणी के सरकारी निवास को आपको दिखाते हैं कि 30 पृथ्वीराज रोड। लंबे समय से लाल कृष्ण आडवाणी यहीं रहते हैं, जब वो सांसद थे तब यहीं रहे, जब वो देश के गृह मंत्री बने तब भी यहीं रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तब भी यहीं रहे, और आज तक लाल कृष्ण आडवाणी इसी 30 पृथ्वीराज रोड यानी लुटियन जोन में जो बंगला है यहीं पर रहते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का जब फैसला सामने भारत सरकार का आया तो पूरी बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई, और ख़ास तौर पर उन कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखी गई जो ये मान रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार कर दिया गया है, पार्टी में अब उनका वो सम्मान नहीं है। जनसंघ से लेकर के और बीजेपी की स्थापना करने तक लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा अपना जीवन इस पार्टी के लिए खपा दिया। कभी लोकसभा में 2 सीटें थीं और एक ऐसा वक्त भी आया कि जब लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री बने थे तब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, यानी जिस बीज का रोपण लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने जीवन में किया था उसको एक बड़े से वट वृक्ष के रूप में यानी बीजेपी के रूप में उन्होंने बनते हुए देखा। और ख़ासतौर पर ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लग रहा था कि वो अपने वरिष्ठ नेता का सम्मान नहीं करते हैं, तो इस भारत रत्न से एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु दक्षिणा भी दे दी है। और विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं है, तो उन विपक्ष के नेताओं का भी मुंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया है। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र।